अबे यार यहाँ पे ना हो गया वो। हेलो भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। अबे यार इसकी तो हेलो हेलो हेलो, आ गया 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 आ गया। चल रहा है एक मिनट एक मिनट। हेलो, फाइनली नजर आ गए। हाउ वाज योर डे? डे तो बढ़िया था भाई, डे तो बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई मेरे से। उसको ही जरा ठीक कर देता हूँ जल्दी से। एक मिनट एक मिनट भाई। डे का क्या बोले भाई, डे तो मतलब अच्छा ही था, लेकिन यहाँ पे अभी ये रिंग लाइट भाई यार बहुत बहुत सता रही है मेरे को। मेरा मन कर रहा भाई मैं नहीं ले लूँ, सही में बता रहा हूँ। मैं पैसे उड़ाता नहीं हूँ, बट यार मतलब हद होती है, सही में बहुत हद होती है। डाउनलोड सेवी एम्पायर फर्स्ट, मेरे को सबसे पहले ये करने दो। एक काम करता हूँ सुनो, मैं आपको ये दे देता हूँ। इसको है ना, ये जो मैं चैट भेज रहा हूँ ना, इसमें वो इमोजी वगैरह लगा के इसको पिन कर दो यार, प्लीज प्लीज प्लीज। गेम ऑन कर देता हूँ ऐसे। ओम सिंह सेविजिस्टिक, साई भाई हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। और कौन है? विग्नेश का चैट पढ़ा था मैंने। विग्नेश मेरी मजाक उड़ा, मेरा मजाक उड़ा रहा था विग्नेश बेटे, ठीक है? एक मिनट एक मिनट, ये नहीं आएगा अब तक। अबे ले ना यार, अबे ऐसी फालतू गिरी करेगा अभी। एक मिनट, 7 बजे का टाइम इसको रख दिया है। लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अरे इसमें भाई बीच बीच में जहां पे सेंटेंस खत्म होता है ना, वहां पे भी इमोजी डाल दो। एक मिनट, इसको इसको बंद कर दिया। अब जाते हैं यहाँ पे। एक मिनट, हाँ 2 लोग देख रहे, 7 लाइक हो गए भाई। थैंक्स भाई, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे कर दिया, अबे जाना। ओके इसको सेव कर दिया। चलो तो ये तो हो गया। अभी ये क्रोम ब्राउजर को भी बंद करेंगे। चलते हैं यहाँ पे। मोइन भाई कैमरा ने बेकार कर दिया, कैमरा ने बेकार कर दिया। कैमरा नहीं भाई, नॉट कैमरा, एक्चुअली इट इज रिंग लाइट। रिंग लाइट बहुत बहुत मेरे को तकलीफ दे रही है भाई। मतलब मैं दोपहर को सोने के पहले उसको सही लगा देता हूँ, लेकिन हुआ ऐसा आज मैं भूल गया उसको। और जब मैं लेट गया तो मेरे को ध्यान में आया कि भाई आज रह गया है, आज किया नहीं है। तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं शाम को ये हो जाएगा मेरे से। क्या बोलू, छोड़ो, टाइम तो लग ही गया। सेविजिस्टिक वेलकम टू द स्ट्रीम। ओके भाई, सेविजिस्टिक अंपायर भी आ गया, आज डेब्यू करेगा सेविजिस्टिक अंपायर। न्यू मैच मैच की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मुंबई इंडियंस। ओके यहाँ पे अब क्या, आरसीबी आ गई। मैं खेलने वाला हूँ आरसीबी के लिए। स्टेडियम रहेगा वानखेड़े, T20। फिर एक मिनट यहाँ पे इसको रखे। अरे सीरियस में उसको नहीं, वो रुको रुको रुको। ओके ये मिल गया अपने को। और तब तक बाकी दूसरा अंपायर देखते हैं किसको रख सकते हैं। लेट मी सी यार, कोई मजेदार दे दो यार, मजेदार चाहिए। मजेदार अंपायर रहेगा तो मजा आएगा। जॉम्बी को रखिए, जॉम्बी को रखेंगे। नहीं जॉम्बी मत, जॉम्बी ज्यादा ही हो रहा है आजकल। हाँ भाई स्पाइडरमैन को रखेंगे, मजा आएगा। स्टैंडर्ड हार्ड डायमंड, डायमंड सही है। दोनों टीम की लाइनअप लगा दे जल्दी से, लाइक कर दो जिसने अब तक किया नहीं है। चलो ठीक है, बढ़िया। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। अरे पिछली मैच की लाइनअप लगाते ना, वानखेड़े पे ही खेले थे ये लोग। हो जा नेट, लग जा नेट, योर कैमरा स्टक। इसने भी औकात दिखाई दिया आखिर।
ओके आगे फिर से आगे जस्ट अनदर डे इन क्रिकवर्स। कैमरा ने बेकार कर दिया है। अच्छा, ये बोल रहे थे क्या? ओके 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 ओके, ये समझ नहीं आया मेरे को। चलो चलो ठीक है हो गया हो गया हो गया। कैमरा रुक गया अटक गया ऐसा कुछ तो बोलो भाई। अबे MIDC में क्या थी टीम मुंबई की? ओके रोहित, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, फिर टीम डेविड भी खेला था, रोमारियो शेफर्ड था, मोहम्मद नबी को ये लोग लेके आए थे है ना? यस, मोहम्मद नबी को लेके आए थे, रोमारियो शेफर्ड था, पीयूष चावला को बाहर बिठाया गया था। नहीं, पीयूष चावला भी था, पीयूष चावला के साथ बुमराह, कोइट्जी और आकाश मधवाल। एक मिनट, पहले बुमराह को लाते हैं, आकाश मधवाल को लेके आते हैं। वो कोइट्जी खेला था ना इनकी जगह पे, एक मिनट हम देखने दो। अच्छा मेरे को बताओ किसको खिलाए, मधवाल को खिलाए कोइट्जी खिलाए? ओवरसीज कितने हो रहे हैं इनके? 1 2 3, 3 ओवरसीज हो रहे हैं। बताओ चौथा ओवरसीज खिलाए या फिर आकाश मधवाल खिलाए? एक ही खिला सकते हैं, बताओ, कोइट्जी और आकाश मधवाल, बोलो। 7 लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी प्लीज। पैफ ड्रॉप, पैफ को ड्रॉप कर रहा हूँ आज, पैफ तो बाहर, रात पैफ को। कोइट्जी खिलाओ। ओके चलो कोइट्जी खिला दिया, ठीक है। सेकंड बॉलर इनके लिए कौन था? सेकंड बॉलर कौन था? कोइट्जी को ही रखे, चलो कोइट्जी को ही रखेंगे या फिर हार्दिक को रखेंगे सेकंड बॉलर? कोइट्जी। ओके ओके ओके, आज मोइन भाई हैंडल करूंगा MI। अरे अरे भाई ऐसा, आज इस बार तो फिलहाल किसी को दे नहीं रहा मैं, वो AI कर रहा है। आप लोग मजे लो, आप लोग बातें बातें करो, ठीक है। चलो भाई 7 लोग देख रहे, चैट में आ जाओ यार, क्या कर रहे हो, सो गए क्या? अच्छा देखो, फैफ को पड़ी है लात, कैप्टन किया विराट को, विल जैक्स आएगा अंदर, और एक मिनट अभी देखने दो। कर्ण शर्मा खिलाना है या नहीं खिलाना बताओ? कैमरॉन ग्रीन तो रहेगा, पट्टीदार, पट्टीदार की जगह पे लॉमरोर रखेंगे। लॉमरोर, अबे लॉमरोर कहाँ है? लॉमरोर वेयर आर यू? लॉमरोर आ गया, सही है। और आकाशदीप, फिर और कौन भाई? सिराज रखेंगे यार, सिराज नहीं ड्रॉप करते। नो कर्ण, कर्ण नहीं। अच्छा विजय कुमार विशक को ले आते हैं भाई। फिर इनके पास तो स्पिनर में बस एक विजय कुमार लाना है ना। अच्छा आकाशदीप की जगह पे विजय कुमार विशक ले आते पहले। ओके विजय कुमार विशक आया, फिर लॉन्गरॉन बेटर है। लाया लाया लॉन्गरॉन लाया। तुम अभी रिंग लाइट यूज करने लगे हो भाई, वो तो स्टार्टिंग से ही कर रहा हूं मैं। अच्छा अब बताओ क्या करे? हिमांशु शर्मा नहीं खिला रहा भाई, हिमांशु शर्मा नहीं चाहिए मेरे को। मयंक डगर को खिलाना है, फिर तो मयंक डगर रखते हैं। नहीं इन्होंने रखा था क्या लास्ट टाइम? आज की पिछली लाइनअप देखता हूँ मैं क्या थी। राजस्थान के सामने इन्होंने क्या क्या खिलाए थे? हिमांशु शर्मा, यश दयाल, सिराज, मयंक डगर को खिलाए थे। एक काम करते हैं, मयंक डगर लाते हैं, अनुज और सुयश है, अनुज खिलाए, अनुज रावत ना 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 ना। एक मिनट, इसकी जगह पे हम इसको ला सकते हैं, कोई नहीं है। अच्छा भाई फिर तो लाना ही पड़ेगा यार, अनुज अनुज को लाना पड़ेगा। वैसे ये लोग खिलाए नहीं अनुज को, अनुज को ड्रॉप कर दिए। एक काम करते हैं ना, फिर इसको लाते हैं, क्या नाम है इसका, रजत पटीदार को लाए तो फिर आ गया। यस यस फिर आ गए, मनोज भटांगे लाओ, सुयश की जगह ऑलराउंडर है। अच्छा फिर सुयश ही रखेंगे, सुयश में क्या प्रॉब्लम है? सुयश रहने तो फिर हिटर मिलेगा। अच्छा ये सही लग रही है मेरे को लाइनअप। नहीं सुयश की जगह पे अनुज ही लाते भाई, अनुज 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 किधर है? चलो अनुज आ गया। अभी बॉलर देखते कितने हैं, 1 2 3 4, फोर फोर बॉलर्स, 5 6, ओके बहुत सारे बॉलर है भाई, बहुत बॉलर है। बैटर ही खिला दे भाई मयंक डगर की जगह पे। नहीं भाई क्या करे यार, एक काम करते भाई, मयंक डगर की जगह पे एक बैटर ही लेके जाते हैं। ओवरसीज कितने हो गए देखता हूँ जरा। ओवरसीज में एक रीस टोपली, दूसरा ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, जैक्स भाई हो गए। गीता जैन शोभ, हेलो भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। अबे क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को, पागल हो जाऊंगा मैं देखकर। एक मिनट, वो हिमांशु शर्मा,
हिमांशु शर्मा खिला, हिमांशु शर्मा ड्रॉप सिराज एंड गेट यश, नहीं सिराज चाहिए मेरे को, मेरे को सिराज चाहिए, आई वॉन्ट सिराज भाई, बैटर चाहिए यार, एक ए रहने दो, चलो भाई मयंक डगर को रखते हैं, चलो रहने दो मयंक डगर रहने दो, ओके चलो इसी के साथ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड बॉलर, सही है सही है, ईद मुबारक भाई सभी सभी लोगों को ईद मुबारक, जैक एंड मैक्सिया स्पिनर्स है, अरे हाँ दो स्पिनर तो है, लॉमरॉर भी है, तो एक काम करता हूँ रुको रुको, ये फाइनल, ये फाइनल मैं रजत पाटीदार को ला रहा हूँ, मेरे को बैटिंग चाहिए, मैं रजत पाटीदार को ला रहा हूँ, रजत पाटीदार थोड़ा ऊपर खेलेगा यहाँ पे, हाँ ये परफेक्ट है, दिस इज परफेक्ट नाउ, भी इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं, ये परफेक्ट, बैटिंग भी डीप हो गई, बॉलर भी है, बैटिंग भी बहुत ज्यादा है। आप कहाँ रहते हो भाई? मैं रत्नागिरी रहता हूँ, रत्नागिरी महाराष्ट्र, कल कोई बोला था 4:30 बजे स्ट्रीम करेगा, हाँ लेकिन मैं भूल गया ना कि रोजे खत्म हो गए तो अभी लेट आ सकते हैं, लेकिन इसने तो औकात ही दिखा दिया, और ज्यादा लेट करवा दिया मेरे को, ईद मुबारक भाई जान, अरे शुक्रिया शुक्रिया भाई लोग, आप सभी लोगों को भी ईद मुबारक। चलो अब आज के मैच की शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा लेट शुरुआत हो रही है और हमको दूसरे चैनल के ऊपर भी जाना है, होपफुली देखते हैं कैसे होगा, लेट सी। मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में होगा ये मैच, बहुत सारे चेंजेस के साथ आ रही है आरसीबी, कैप्टन रखा है हमने विराट कोहली को, सामने है कैप्टन रोहित शर्मा, लेट्स गो, टॉस की तरफ चलते हैं, हेड्स कहां है यहां पे, विराट कोहली रहे और देखते हैं अंपायर्स को क्या दिखा है, मुंबई इंडियंस हार गई है टॉस, हम जीते हैं, बैटिंग करेंगे भाई, लेट्स गो, टू स्ट्रीम्स शॉर्ट्स एंड नॉर्मल राइट, हाँ ये कर सकते हैं बिल्कुल, मोइन माय अनाउंसमेंट कहां है, करेंगे करेंगे करेंगे, और लोग आने तो फिर करते हैं, थोड़ा 20 लोग तो भी देखने तो फिर करते हैं, रितेश भाई और केशव भाई को बोलो कि उनका चैनल पर एक्टिव रहे एसपीएल के बाद, हाँ हाँ बोलूंगा बोलूंगा बिल्कुल। अच्छा वैसे किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, आज अपने को 50 लाइक करनी ही है, लास्ट टाइम रह गए थे। पहला बॉल बुमराह बॉलिंग, सामने है विल जैक्स जो डेब्यू कर रहा है, डेब्यू कर रहा है ना, लिख किया पहले रन, दो रन के लिए भागेंगे, मिल जाएंगे दो रन, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। आपके यहाँ ईद में क्या बना खाने को? बिरयानी शिरकुरमा। ओहो भाई सो गया था मैं, बहुत गहरी नींद लगी थी मेरे को, माकड़ा मैन क्यों अंपायर है, ऐसे ही अनाउंसमेंट करेंगे करेंगे, 20 लोग तो आने दो, पहले 15-20 लोग तो रहने दो, फिर करते हैं भाई, पहले लाइक करता हूँ स्ट्रीम के आने पहले, अरे शुक्रिया भाई शुक्रिया, वो तो 9 लाइक देखकर ही लग रहा है कि आज सभी लोगों ने पहले ही लाइक किया है। शॉर्ट बॉल विपुल सेट, फर्स्ट बाउंड्री आरसीबी के लिए विल जैक्स के बल्ले से, मेरा कोको नेगी वाला अंपायर कर ले, कर दिया है ऑलरेडी, कर दिया है वो भी, उसको भी रखता हूँ अंपायरिंग करने के लिए। स्कंदा भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, इसका क्या मतलब है स्कंदा भाई, किसके अनाउंसमेंट, अरे बहुत सारी अनाउंसमेंट करने हैं आज गीताज नैन भाई। ओ शॉर्ट बॉल एक्स्ट्रा बाउंस मिला जसप्रीत बुमराह को, कौन से अनाउंसमेंट, सीजन 3 से रिलेटेड, सीजन 3 के रूल्स क्या हो गए उससे रिलेटेड, एक नई सीरीज आनी है गेमिंग सीरीज उसके रिलेटेड, तो बहुत सारे है, चलो कोई ना थोड़ा लीव व्यू करेंगे, ज्यादा भी रिस्क नहीं लेते। शिरकुरमा वेज होता क्या? यस बिल्कुल शिरकुरमा प्योर वेज होता है, दूध का बना हुआ होता है वो, उसमें बादाम होते हैं, तुम लोग बोलते हो ना बादाम खाया करो, लो खा रहा हूं बादाम खा रहा हूं। अच्छा ये सीधे फील्डर के पास गया, रन नहीं लिया, बहुत ही सही डिसीजन, 6 फॉर नो लॉस पहले ओवर के बाद, आज जो गेम में हारेगा वो रियल में जीतेगा। अच्छा तुमको भी ऐसे लग रहा है, आज डोरेमोन का अंपायर ट्राई करता हूँ टाइम पास, हाँ कर दे भाई कर दे। ओके विराट कोहली हो गया स्ट्राइक पे, हार्दिक पांड्या करेंगे बॉलिंग, और पहला रन यहाँ पे डिपेंड करके ले लिया है विराट कोहली ने, बहुत सही डिसीजन कि यहाँ पे मौका दे रहे विल जैक्स को, कौन सा सीजन 3 वो तो समझ जाओ भी। अच्छा किसी को गेस करना है कि जो नई सीरीज होने वाली है कौन से टीम से कनेक्टेड होगी, क्योंकि आईपीएल से कनेक्टेड है, एक्चुअल क्या है वो बताता हूँ, बट क्या गेस करना चाहोगे तुम लोग?
अरे यार ज्यादा बादाम खाना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो ज्यादा कौन खा रहा भाई? अरे अरे स्कंदा भाई, स्कंदा भाई सीएस के बोल रहे हैं, बाकियों को भी गेस करना है तो कर दो। वैसे तुम लोग स्कंदा भाई का ही शायद से कॉपी करोगे, वैसे उसको पता नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो बस देख रहा है। अरे नहीं कैंसल करो। शिरकुरमा एंड सेवैया एक तो नहीं, नहीं सेवैया अलग होती है भाई, सेवैया भी बनी थी, बनी है मतलब। ओ गुड बॉलिंग बॉलिंग, मुंबई सुपर किंग्स, ये कौन सी टीम है भाई? पग एंड वालों को बोलो कि आरसीबी और चेन्नई के पास जाए। भाई वो गए थे, उनकी बात हुई बट वो नहीं, डील बनी उन लोगों के बीच में, तो यहाँ पे हम पिगेंट को कुछ बोल नहीं सकते ना। अच्छा मैं इसको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ ताकि जिनको नोटिफिकेशन गए नहीं है वो लोग आ जाए। आई नो बोथ आंसर्स, हाँ आपको तो पता है। विराट कोहली ऑन स्ट्राइक, जसप्रीत बुमराह का सेकंड ओवर, और गुड बॉल, बीट्स द इनसाइड एज। एक विकेट ये यहाँ पे गया, डाइव आ गया हूँ। व्हाट्सएप पे डालना है, चलो व्हाट्सएप पे भाई ज्वाइन कर लो अगर क्या नहीं है तो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल। स्ट्रेट बैक टू द स्टंप्स, आज तो मस्त बढ़िया खाओगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, भाई देखो जिंदगी का दूसरा नाम है खाना। खाओगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे? हाँ लेकिन ज्यादा खाना भी नहीं, इवन इफ 100 हैपेंस इट विल आल्सो बी सीजन 3। ओहो भाई दूसरा ब्रॉडकास्ट वाला कैमरा यूज करो, दूसरा ब्रॉडकास्ट वाला। अरे नहीं भाई वो पसंद नहीं है यार, उसमें बैटिंग नहीं होती अच्छे से, फिर भी एक बार कोशिश करूंगा, जब नया नया आया था बैटिंग नहीं हो रही थी उसमें। भाई बॉलिंग देखो यार, बुमराह की क्या लीथल बॉलिंग कर रहा है। रमजान के जाने का दुख भी होगा ना? हाँ भाई यार वो तो अलग एक शेड्यूल बन जाता है ना तुम्हारा, सुबह में जल्दी उठो, खाओ, नमाज पढ़ो, फिर सो जाओ, फिर भाई स्टेडियम बदला बट परफॉर्मेंस नहीं बदली। रोहित शर्मा इन द स्लिप्स, फ्लाइंग रोहित शर्मा, क्या बोले भाई क्या बोले, केप्सा खिलाओ कोई। अरे अरे केप्सा भाई, मुंबई ला योन भाई, खाइचा हमारा केप्सा, मैं वड़ा पाव खा रहा हूँ। अरे एंजॉय एंजॉय, दोनों जगह जॉइंट हो। हाँ वो तो तुम हो भाई, तुम हो जो नहीं है उनको बोल रहा हूँ। वह कमाल का ओवर है जसप्रीत बुमराह का, बहुत बड़ी विकेट मिली इसमें। आपने क्या लिया था? कॉमर्स आर्ट मेडिकल नॉन मेडिकल? कॉमर्स लिया था फिर ज्ञान पेलना चालू। यस मजा आता है। लखनऊ टाइटंस हैं? अरे भाई भाई हार्दिक पांड्या भी दूसरा ओवर कर रहा, पैप ऑफ हो गया क्या? पैप को ड्रॉप कर दिया है गाइस, जिसको ये डिसीजन पसंद आया लाइक नहीं किया लाइक कर दो जल्दी से। खड़े खड़े मार दिया है सामने की तरफ और सिक्स मिला है यहाँ पे पहला। प्रथमेश हेलो भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, मिट्टी को तो तेवा एक प्लेट दो घात खाए जो। अच्छा रमजान में कितने बजे उठते हो भाई? रमजान में तो देखो रात में 2 बजे 2:30 बजे सोकर 4 बजे उठता था मैं, फिर 6:30 को ऑफिस होता था और 10 बजे उठता था। ओ चलो 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 दो आ जाएगा, बहुत बढ़िया कैमरा गयो। अबे कैमरा की तो ए रुको भाई रुको, सॉरी ओके चल रहा है, अभी चल रहा है चल रहा है, ओके चल रहा है चल रहा है। लाइक नहीं क्या कर दो, बिल्कुल पसंद नहीं आया ये डिसीजन। कौन सा डिसीजन? भाई जो चल नहीं रहा वो बाहर ही जाना चाहिए। वेलकम तनय, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैमरा करप लाओ हो भावा। ओ गुड बॉल मैन, एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है हार्दिक पांड्या को भी, चल गया कैमरा ने फिर औखा दिखा दी। यही चल रहा भाई, यही चल रहा मेरे साथ, यही चल रहा है, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे, डॉलर नहीं आ रहा, वॉचिंग नहीं आ रही, तो वॉचिंग आएगी, डॉलर आएगा, नया कैमरा लेगा भाई,
तुम्हारा भाई नया कैमरा लेगा, जल्दी लाइव मार दो। मैं भी कॉमर्स ही ले रहा हूँ क्योंकि हम गुजराती है। अरे फिर तो तुमको कॉमर्स की जरूरत भी नहीं है भाई। अच्छा, और किसी को कुछ गेसेस नहीं करने? क्या बात कर रहे हो भाई, किसी और को कुछ गेस नहीं करने? स्कंदा भाई ने CSK बोला, और किसी को कुछ गेस नहीं करने? सही में भाई, क्या बात है भाई। मतलब गेस करने को भी, मतलब तुमको ये गलत बात है, ये गलत बात है। छोड़ो, जाने दो भाई। तीसरा और है बुमराह का, ये और हो गया, उसके बाद ऐसा कोई तंग करने वाला है नहीं, है ना। पैप केवल CSK के लिए बढ़िया खेलता, वंस अ CSK एंड ऑलवेज अ CSK। लेकिन गलत बात है ना भाई, तुम उस टीम के कैप्टन हो, तुम मतलब अगर अच्छा नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। यू शुड ली एंड कैच ड्रॉप। ईशान किशन दैट वाज, अरे ले ले, अरे भाई अकेला 2 रन भाग गया वो। Time to follow up. अरे तुझे सटक भी आएगा रे। कैमरॉन ग्रीन मुंबई लाई, मुंबई साठी खेल तो इसका रे भाई। ये देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ, वहां पे ध्यान रखना भाई। ये देखो ये बेचारा विल जैक्स, ये देखो भाई, ये देखो कैमरॉन ग्रीन भागा ही नहीं, वो 2 भाग गया यार। इसको 2 रन दे दो भाई, उसके 2 रन कट करो तुम। मेंटलाइज कह रहे बाबा, जो कब फिर होता है मेला। अरे सैड लाइफ भाई, आज RCB फैब को ड्रॉप करेगा तो मैं आपको 200 की सुपर चैट करूंगा कल। ठीक है भाई, मतलब तुमने बोले उस पे नहीं, बट फैब को ड्रॉप करोगे इसलिए उस पे हंस रहा हूं मैं। विराट नॉट प्लेइंग एज ही प्लेड वेल इन प्रीवियस गेम, ही इज बीइंग ड्रॉप। मेंटोर जिंदगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्लिप कर दो इसे, मेरे वो इसमें डाल दो, सर्वर में डाल दो, उसमें प्लेसमेंट प्लेसमेंट। तो 2 आ गए। व्हाई डिड यू टच वाइड बॉल विद विराट? क्योंकि वो वाइड नहीं था, इट वाज नॉट अ वाइड बॉल भाई। फिर कोहली कैप्टन बनेगा ना? बनना तो चाहिए भाई, बनना तो चाहिए। जो जो चाहते हैं, विराट कोहली फिर से कैप्टन बने। लाइक मार दो, लाइक मार दो। वाइड, ये तो वाइड है, ये तो वाइड है। अंपायर अंपायर, चश्मा पहनो अंपायर। अबे तू चश्मा कहां पे पहनेगा, मास्क के अंदर भाई। जल्दी अनाउंसमेंट करो भाई, रुको जरा, रुको जरा, आने दो और लोगों को, आने दो भाई। एक बार इसमें डाल दो, अपने सर्वर में भी डाल दो, सब लोगों को बुला दो। और सामने की तरफ 6 आया है, 40 रन्स आए ओवर से। मैक्स इज करंटली वाइस कैप्टन। तो क्या हुआ, कल बेंच नोए क्लास के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा? अच्छा नहीं जाना तेरे को, बट यार लाइक्स के लिए कितना नीच। जेराल्ड पॉइंट से आ गया आखिरी ओवर करने। सामने है कैमरॉन ग्रीन जो अंडे पे है, और शायद से अंडे पे ही रहेगा ये। जिस दिन इस गेम में CSK लाइसेंस होगी मैं गेम बेच दूंगा। है फैक्ट, RCB लॉस्ट 4 मैचेस। वाइड बॉल, वाइड बॉल भाई, यार फिर वाइड नहीं दिया। RCB lost 4 matches out of 5 games in 2009. Then Kevin Peterson gave the captaincy to Kumble. RCB went on to the final. Ooh. Lovely cover drive straight. Peterson captain था, ये तो याद ही नहीं है मेरे को। 2008 में कौन था भाई? 2008 में तो कुंबले था, नहीं द्रविड़ था यार, याद नहीं मेरे को। ओके भाई, इनका कोई चीज देख लो, देख ही लिया होगा तुमने वैसे। अगर RCB ने कोहली को कैप्टन नहीं बनाया तो उनकी अरे भाग। ओके आ गया सिंगल, आ गया 2008 द्रविड़। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल द्रविड, सही था, सही था, मैं सही था। अच्छा चलो भाई, कैमरॉन ग्रीन तुम्हारी बारी आ गई वापिस जाने की, मतलब 6 मारने के लिए। इनफील्ड के ऊपर से मारा, जस्ट इनसाइड रोप्स। RCB क्यों लाइसेंस नहीं, उसका क्या रीजन है? विराट कोहली के लिए ज्यादा पैसा मांगा रहेगा उन लोगों ने। कोइंसिडेंस पे भरोसा करने सब कुछ नहीं होगा। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है।
यार लॉक करना था, लॉक ही नहीं किया मैंने गलती से। चलो दो आ जाएगी। पावर प्ले खत्म हुआ 42-1 6 ओवर के बाद, और ओवर थ्रोस के चलते एक और रन मिल जाएगा तो 43 बन जाएगा स्कोर। सही है सही है सही है भाई सही है। ए चैट को एक्टिव रखो भाई, चैट को एक्टिव रखो। शेपर्ड को लाया गया है। अब जल्दी बताओ भाई, इतने जल्दी नहीं, इतने जल्दी नहीं। रुको 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 रुको, आने दो 20 लोग तो आने दो। उसके बाद वाओ, आरसीबी वाला शो फुल करते हैं, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं आरसीबी कटर फैन हूं। शो फुल करते हैं मतलब, अरे नहीं मारना था यार, क्यों मार दिया पागल है क्या? अरे क्यों मारा यार मैंने, ये लॉक पिछला वाला नहीं किया, ये वाला क्यों किया मैंने? गया भाई, आउट कर गया वो। कटर बॉल था, मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पिक किया उसे। इज गॉन फॉर 32 रन। अच्छी शुरुआत थी ये, अच्छी शुरुआत थी। पट्टीदार को ले आते हैं, रजत पट्टीदार। स्ट्राइक रेट देख के आपको समझ ही आएगा कि किस फॉर्म में चल रहे हैं रजत पट्टीदार। RCB will win if they pick proper team. बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि मुंबई इंडियंस बहुत ज्यादा टफ टीम हो गई है। अभी एक मैच जीतते ही उनके अंदर कोई अलग ही शक्तियां आ जाती है। पानिया ले गया मतलब आज तो RCB जीतना चाहिए। ए तेरे को भी लग रहा है RCB जीतेगी? सही बात है, RCB फैन को ही नहीं लग रही है बस। आने दो, दो रन आने दो। कैमरॉन ग्रीन पहुंच जाएगा क्या भाई? ग्रीन तो पहुंचेगा। पांड्या ले गया, ओ पांड्या कैच ले गया। अच्छा, कितनी वेट तो गर्लफ्रेंड ने करा ही नहीं। अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वाह वाह, नाम तो बताओ हमें। वेरी वेल प्लेस्ड 50 अप फॉर आरसीबी, गुड शॉट। इसी रोमारियो शेफर्ड ने बोल करके मेरे टीम का खेल खत्म किया था गौरी अंटी के नॉकआउट लीग में। अरे गौरव भाई कहाँ पे है? क्योंकि मैं नहीं चाहता पांडु का फॉलो। अच्छा, यार बिल्कुल टाइमिंग नहीं, बट गैप पे गया जरूर है ये तो। दो रन देकर जाएगा, 12 रन आए ओवर से, एक विकेट भी आई इसमें। 55-2 7 ओवर के बाद पीयूष चावला को लाया गया है अटैक में, खटैक करने। बहुत ज्यादा लेट हो गए, मैं आरसीबी का फैन हूं बट लग नहीं रहा जीतेगी। सेम। अब रितेश और केशव भाई से मिले हो? नहीं भाई, मिला तो नहीं हो यार, उन्हें आगे गए थे तब ना मेरे को जाने मिला था ना उनको आने मिला था। आरसीबी की भी लग देख लो, जस्ट आरसीबी के मैच है, पहले वाले मैच में इनफॉर्म आ गई, आउट ऑफ फॉर्म है मैं। तो मित्रों भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। ये दे दे कैच, दे हाथ में जाकर दे दे उसके हाथ पे, पागल इंसान भाई। रोहित शर्मा की कैचिंग भाई, भाई साहब रोहित शर्मा कमाल की फील्डिंग, स्लिप पे कमाल की, विराट कोहली की कैच पकड़े। अभी कैमरॉन ग्रीन को चलता गया और यहाँ पे साथ ही साथ चलता करने वाले हैं शायद से इस टीम को भी। ग्लेन मैक्सवेल को बुलाया गया है भाई। एक क्वेश्चन, इस साल SPL में राहुल आर के गेमर ने टीम क्यों नहीं ली? अरे उनको टाइम नहीं था भाई, इस वजह से। What a way to start from Glenn Maxwell. It's his favorite ground. This is called Godi mein catch dena. Bilkul. Mila hai ye uska Punjab gaya tha milne. Nahi bhai nahi gaya tha yaar. Clip dal dena. Arey yaar. Dal dena server mein, mujhe padhna hai kyunki tuition sir aane wale hai. Okay Shubh, okay. मेरी आते ही अब आउट होना चालू कर दिया। अरे क्या करूं मैं बताओ। दो रन आएगे नहीं आएगा, छोड़ो एक सिंगल ले लो। 63-43 8 ओवर के बाद 12 लाइक हो गया क्या? 20 लाइक हो जाएंगे यार, लाइक ही नहीं बढ़ रहे। कोई ना
और रोमारियो शेफर्ड 12 खाया था पहली ओवर में, वो कट करना चाहते थे यार क्योंकि तो वन होती है। अरे अरे ऐसा मत बोल भाई, अब आरडीज भाई से कांटेक्ट किया था एसपीएल में टीम के कारण। हाँ बिल्कुल टीम के कारण नहीं, टीम के कारण नहीं बट उनके प्लेयर के कारण तो किए थे हमने। ओ फील्डिंग रे, अरे भाई भाई फील्डिंग देखो यार गजब। ओके तो पीछे वहां पे दो फील्डर है, एक शॉर्ट नहीं सॉरी डीप थर्ड मैन है, एक डीप कवर पॉइंट है और एक लॉन्ग ऑन है। छोड़ो वाइड बॉल, वाइड बॉल भाई दे दे, दे दिया दे दिया दे दिया, सही है सही है। फिर वो क्या बोला आर्टिक्स भाई, हाँ हाँ वो तो चलेगा बोले, उसमें क्या है भाई, हम सब आपस में फ्रेंड्स ही है भाई, तो मतलब उतना कुछ टेंशन की बात होती नहीं है। बच गए, अगर डायरेक्ट हिट होती तो वैसे ही वापिस जाना पड़ता ग्लेन मैक्सवेल को पवेलियन की तरफ। आरसीबी विल विन टुडे, स्कंदा भाई सच बात कर रहे हो आप, लग नहीं रहा मेरे को। पुल किया सीधे फील्डर के पास, एक ही रन, ये और अच्छा जा रहा है अभी तक, बहुत ही अच्छा जा रहा है। ये फील्ड चेंज नहीं कर रहा यार, सेम फील्ड के साथ जा रहा है, इसमें मारने नहीं मिल रहा मेरे को। ओ यार ये हार्ड पिच रखने का साइड इफेक्ट है भाई, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है यहाँ पे बॉलर्स को, और अगर ऊंचे बॉलर हो तो और भी ज्यादा होता है। योर टाइमिंग वाज नॉट राइट टुडे, वो तो है। ये देखो भाई, ये देखो वही लेंथ पे कर रहा है बार बार, 69/3 नौ ओवर के बाद। दिल से बुरा लगता है गौरव भाई के यहाँ सुपर ओवर हो गया। ओहो आरसीबी एमआई में सच में, एक नीचे का क्वेश्चन, कॉमिक बाइट ने कितना पैसा दिया स्पॉन्सरशिप का, ये तो पता नहीं भाई मेरे को। नहीं भाई किस्मत कुछ खास नहीं जा रहा मेरा और आरसीबी का भी बहुत टाइम से, लव फ्रॉम बाथरूम, गाली मत दे। वैसे अनाउंसमेंट कर दी, नहीं अब तक नहीं, आज होम टीम विल लूज। होम किसका है आज, मुंबई। स्ट्रेट बैक टू चावला अगेन, अभी चल रहा। अच्छा थोड़ा लेट शॉट टाइमिंग को बढ़ाना दूर थ्री पॉइंट का, ना ना कैसे हो सुदेश भाई, बढ़िया बढ़िया। भाई कैसे प्लेयर है यार, कैसे प्लेयर है भाई, मेरे को देखना भी नहीं है रिप्ले, क्या फालतू प्लेयर है भाई, मतलब इससे रद्दी प्लेयर नहीं देखे मैंने। खेलते क्यों है भाई ये खेलते क्यों है। वाह आरसीबी नॉट विन इन 1K डे सिंस 2015 में सेंचुरी मारा था ना, क्या नाम है अपना एबीडी ने। कैसे हो भाई राजविंदर भाई, बढ़िया आप बताओ आप कैसे हो। सौरव गांगुली बढ़िया लिख रहा था, भाई 10 ओवर बाकी है, 6 विकेट है हाथ में, पता नहीं ये स्कोर कहां तक जाएगा, देखते हैं। ओ माय लॉर्ड ऋषभ को भाई मिल गया, हाँ भाई ऋषभ। बात फिजिक्स की नहीं है, इतने अच्छे प्लेयर ऐसे टाइमिंग कर रहे तो भाई कैसे चलेगा बताओ। हरेगी आरसीबी, चलो देखते हैं। 15 लाइक हो गए, बढ़िया भाई। आप ये राधी वाली बात कहाँ की, ताकि आप थोड़ा पर्सनल हो रहा हो, थोड़ा पर्सनल हो रहा हो मतलब। ओ वाइड रे, वाइड वाइड वाइड, हाँ दे 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 साले दे। भाई यार बॉलिंग देखो भाई, कमाल की बॉलिंग चल रही है, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे रन बनने मुश्किल हो रहे हैं, और अच्छी लाइन लेंथ पे जब बॉलिंग हो तो ऐसे ही होता भाई, ऐसे ही होता है।
बिल्कुल देखो बिल्कुल गैप नहीं मिल रहा और मेरे को रिस्क उठाने भी डर लग रहा है अभी. डिड यू प्ले ये क्रिकेट 2002? नहीं भाई 2002 नहीं, लीन 7 तो खेला है. आरसीबी फैन हूँ भाई. आरसीबी फैन है तो एमआई के लिए कुछ कर दे. बच गए ये. अगर धीरे धीरे होती तो वैसे ही वापिस जाना पड़ता पट्टीदार को. देखो एक कॉट एंड बोल जो हुआ, इसमें एफर्ट डालना पड़ता है बॉलर को, लेकिन इस गेम बॉलर के हाथ में चिपक जाता है. लो भाई तीसरा विकेट दे दो पीयूष चावला को. भाई क्या कमाल का खेल रहा हूँ मैं, बहुत कमाल का खेल रहा हूँ. मतलब इतना कमाल का मैं कभी खेला ही नहीं हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को अभी. पट्टीदार भी गया. चलो दिनेश कार्तिक ले आते. 5 विकेट डाउन है भाई, 77 पे स्ट्रगल कर रहे हैं हम. यहां से अगर दोस्तों नहीं लगा तो हम वैसे भी मैच को हार ही गए. बड़े बड़े प्लेयर चलते बने हैं आज. हार रहा पर पंजाब के मैच एंटरटेनमेंट से फुल हो रहा ना. हाँ वो तो है. पंजाब का कहीं ना कहीं गलत भाई कैप्टनसी में भी हो रहा है. चलो ग्लांस किया लॉफ्टेड, वन बाउंस ओवर द रोप्स ऑफ 4. बहुत ही कमाल की बैटिंग करना पड़ेगी यहाँ पे अनुज रावत और दिनेश कार्तिक को. पहले मैच का परफॉर्मेंस यहाँ पे लाना पड़ेगा. डोंट बी टू रियलिस्टिक. मैं लिटरजी भाई जैसे पनौती हूँ लगता है. अरे नहीं रही. ओके सीधे फील्डर के पास. उधर गौरव भाई 225 चीज कर ली. ओ भाई आज मैंने सब देख लिया है क्या. पट्टीदार तो पीछे में वॉक करने आता है. ओ भाई बेचारे पट्टीदार भाई. एक वक्त था जहां पे उसको वन ऑफ द बेस्ट सेकेंड इंडियन बैटर बोल रहे थे. सिराज अलोन विल गिव दिस मेनी रन्स इन हिज बॉलिंग. राशिद खान इज द मैन. हाँ भाई बिल्कुल. अच्छा वैसे जिसको पता नहीं है मेरा एक दूसरा चैनल भी है जहां पे मैं लाइव रिव्यू करता हूँ मैच खत्म होने के बाद. और वही उसके बीच एक छक्का लगा है यहाँ पे दिनेश कार्तिक. अभी गा रहे होंगे. अच्छा इसमें इंपैक्ट प्लेयर रूल है नहीं. आपने वो मीम देखा मयंक यादव जी सूर्य कुमार यादव? हाँ देखा भाई. जिंदगी सवार दू गा देना भाई. अगर यहां से अगर मैं मैच को जीत गया तो बिल्कुल गाएंगे. सीधे फील्डर के पास है, एक ही रन आएगा. कोविड जी का तीसरा ओवर है ये. क्या चैनल में वॉच अलोंग कर सकते हो? चैनल में वॉच अलोंग नहीं. पट्टीदार पिच सूंघने आता है. सी अब लग रही है बैट पे. अब लग रहा है वानखेड़े में मैच हो रहा है ना. पट्टीदार उसकी फेयरवेल सीरीज खेला है इंग्लैंड के खिलाफ. वैसे सुनने में आया स्काई को बॉलिंग को बहुत ज्यादा व्यूज आती है, ट्राई कर लो क्या. कुछ भी आपकी डिफिकल्टी पे खेला आज भाई. अच्छा कैसा लगा? कितना हिला दिया गेम ने सच सच बताना. एक और इस ओवर में सौ पूरे में आरसीबी के 12.4 ओवर में. अगर हमारा कैप्टन आशा होता तो क्वालिटी को कर जाता. इस साल हमारा कैप्टन अर्शिप के ओवर भूल जाता है. भाई साहब बहुत कुछ भूल रहा है भाई. वो ले लो एक और ले लो. मार दिए तोड़ दिए फोड़ दिए. स्पाइडरमैन अंपायर बिल्कुल स्पाइडरमैन अंपायर. अनाउंसमेंट कर दो. हाँ बिल्कुल भाई. जरा रुको. यहाँ पे सब है. कौन कौन है चैट में लिखो मैं हूं करके. मैं ऐसा स्पैम कर दो. यार एक और गया यार. सेट बैटर गया जो सिक्सेस मार रहा था वो गया. भाई कोई जी तेरे को देखा नहीं जाता क्या मैं रन बना रहा हूं. सैमसन भी बोल्ड के ओवर भूल गया क्या? फर्स्ट अनाउंसमेंट आफ्टर फर्स्ट इनिंग. फिलहाल तो वही अभी यहाँ पे हालत चल रही है. आपका कंटेंट मस्त है, साथ में गेम हमारा अच्छा अच्छा पैसा आता है. अभी थोड़ा तो पैसा कम आता है बट अभी क्या करे भाई. तुम लोगों के लिए मैं आता है, मैं जिंदा हूँ. बस पावर प्ले के फर्स्ट ओवर मैडन खेलना नहीं भूलता. कौन गेरा था कमेंटेटर हूँ मैं कहने ही.
एक मिनट थोड़ा बैटिंग में ध्यान दे रहे दो। भाई कौन कह रहा था कमेंटेटर हूँ मैं, कहने ही वाला था तब तक आउट हो गया। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो अंपायरिंग करने बिजी हूँ ऑन फील्ड। हाँ हाँ गुड बॉल कॉस्मिक बाइट स्पॉन्सरिंग WIPL। भाई इतने अच्छे दिन अगर आ गए तो मजा आई होगा फिर तो तुम लोगों का। डेड इनसाइड क्यों भाई, चलो एक और दे रहे मारने में मारूंगा मैं, नहीं रुकने वाला। पट्टीदार पिच पे गार्डन समझ के घूमने आता है, फिर उसे याद आता है रोहित भाई ने कहा था कोई गार्डन में नहीं घूमेगा तो चला जाता है। मोइन भाई को पैसे का फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा बहुत छापते है। अच्छा ले लो खा, और एक खा, तीन विकेट ले गया ना तू, खा एक और। अनुज रावत इन बीच मोड। मैंने मेरे गेम में SPL की टीम डाउनलोड की और टूर्नामेंट को स्किप करा तो देखा कि फाइनल में MC और CS ही थी। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है भाई, इसीलिए तो पहुंचे ना वो रियल में भी। अब इस ओवर में अब तक 3 सिक्स लगे है और 3 सिक्स लगने के बाद आउट होना जरूरी है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे यही चलता है गाइस। 17 लोग देख रहे हैं, इतना रियलिस्टिक बैटिंग आज भी कि आपको कहीं पे देखने नहीं मिलेगी, बस यहीं पे मिलेगी। That's what it is. That's how RCB has been playing. 20 लोग देख रहे हैं, अभी मैं एक एक अनाउंसमेंट करना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि RCB के बैटिंग में कुछ बचा ही नहीं है, लॉन्ग रोल बचा है सिर्फ। इस गेम में इम्पैक्ट प्लेयर रूल है नहीं, मैं क्या करूं अभी। भाई देखो सबसे पहली अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं, तो चाहे से इस बारे में बहुत लोगों को पता होगा बट फिर भी मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि WIPL का जो सीजन 3 है, WIPL का सीजन 3 विल बी नवंबर के एंड, वहां पे ऑक्शन होगा या दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और ऑक्शन होने के साथ अगले 2-3 दिन में ट्रेड के लिए विंडो होगी। 2-3 दिन मैक्स बोल रहा मैं, उससे ज्यादा नहीं होगी, और हम 4 दिन में शुरू करेंगे WIPL को। इस बार भी 10 टीम होगी, तो जो 10 टीम के लिए अप्लाई करना है वो कैसे अप्लाई करना है उसके लिए एक बहुत बड़ी नोट आएगी, लेकिन वो सितंबर या अगस्त के वक्त आएगी ताकि बहुत लोगों को थोड़ा टाइम मिले उसमें एक ये करने के लिए। लेकिन एक बेसिक थिंग जो है उसमें, अगर आपको किसी भी तरह से अगर पार्टिसिपेट करना है ओनर बोल के को ओनर बोल के, तो उसके लिए आपको भाई चैनल के ऊपर थोड़ा रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आप चैनल के ऊपर रेगुलर रहोगे तो आपके प्रेफरेंस बढ़ जाएगी उसमें। को ओनर के लिए भी थोड़े ये प्रेफरेंसेस में थोड़ा एक हाई लेवल प्रायोरिटी पे रखूंगा ताकि ऐसे लोगों की टीम मिले। अश्विन भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। मैं आऊं काय मतलब, तो करो ना, 2.5 मिनट से बोल तो रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ये आखिरी बॉल है, ये ओवर में अभी 4 सिंगल आए हैं, मेरे को अभी सिंगल रन लेना है आखिरी बॉल पे। चलो ये भी लेख भाई आएगा, कोई ना 131/7 पंद्रह ओवर के बाद 5 ओवर बाकी है। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, ठीक है, आरसीबी की टीम में खेल ले। अच्छा हाँ ये भावा, ये तुझी गरज है भावा, गरज ये। तो ये तो हो गई बात। दूसरा जैसे कि मैंने बोला, जितना आप रेगुलर होगे उतना आपको WIPL में भी प्रेफरेंस मिलेगा। साथ ही मैं एक बहुत ही ज्यादा एक अलग कुछ तो करने वाला हूँ अगस्त के मंथ में। टूर्नामेंट ही रहेगा, लेकिन वो टूर्नामेंट इस टाइप का रहेगा कि वो लाइव स्ट्रीम नहीं होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। जिसको जिसको टीम मिलेगी उसको VC पे या फिर प्राइवेट लाइव स्ट्रीम करके दिखाया जाएगा चेंजेस वगैरह करने के लिए। और 8 टीम का टूर्नामेंट होगा, लेकिन 8 के 8 मतलब 7 मैचेस जो है 7 मैचेस खेले नहीं जाएंगे, 7 मैचेस नहीं खेले जाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ 7 मैचेस नहीं खेले जाएंगे। जो मेरे टीम के साथ मैच होगा सिर्फ उतना ही खेला जाएगा, बाकी जो है सिमुलेट किया जाएगा। और टीम्स भी जो है वो मैं बताऊंगा कैसे बनाने हैं वगैरह, वो सब भी उसका अनाउंसमेंट आ जाएगा, लेकिन ये अगस्त के लिए है। तो ये टूर्नामेंट ऑफकोर्स WIPL सीजन 3 के पहले होगा, दैट्स वाई। और हाँ, तुमको एक तरह से फीचर करने मिलेगा मेरे वीडियो में, मैं बताऊंगा लोगों को कि ये तुम्हारी टीम है करके, ऐसा एक इंट्रो रहेगा, तुमको फीचर किया जाएगा उसमें।
तो हाँ ये कुछ ऐसा है, तो इस वजह से बस एक ही वो मैच होगा, बाकी मैच जो होंगे वो सिमुलेट किए जाएंगे, तो तुम्हारे पास ये लाइनअप ली जाएगी और वो सिमुलेट कर दूंगा मैं 5-5 ओवर करके, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उसका बेनिफिट ऐसा है कि तुमको वो वीडियो में मैं एक तरह से फीचर करूंगा, जिस तरह से मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ, तो वो एक तरह से अनबायस हो, दैट्स वाई कि तुमको भी दिखे कि तुम्हारी टीम का क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं तुमको सिर्फ सीधे सीधे वीडियो दिखा दूँ, ठीक है। और ये बस फन बेसिस के लिए होगा, क्योंकि बहुत टाइम मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने BBL भी स्किप किया था, तो इसका मैं जो है पूरा इन डिटेल बताऊंगा तुमको। तो ये थी दूसरी अनाउंसमेंट, एक मिनट क्या लॉम्ब्रॉल भी गया, अब तो 24 आवर्स में से 2 घंटा आपके चैनल पे रहूंगा। अरे अरे थैंक यू भाई। और देखो ये जो है 8 टीम का टूर्नामेंट होगा, तो 1 टीम मेरी होगी, मतलब 7 लोगों को बाकी के टीम्स मिलेंगे, है ना, 7 थाला फॉर अ रीजन। और तुमको देखो भाई मैं जितना बता रहा हूँ ये थोड़ा सा बायस इस तरह से होगा कि मैं टीम किसको दूंगा ये मेरे हाथ में रहेगा। अगर तुम चैनल के मेंबर हो लेकिन अगर तुम रेगुलर रहते नहीं हो तो भी शायद से ऐसा हो सकता है कि तुमको टीम ना मिले, तो इस बात का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम रेगुलर रहो यहाँ पे चैनल के ऊपर। तो इस तरह से ये बायसनेस होगा इसमें, जो रेगुलर रहेगा उसके पास मेंबरशिप नहीं रहेगी तो भी उसको टीम मिलेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई उस टूर्नामेंट की। तीसरा एक सीरीज नई शुरू होने वाली है, वीडियो सीरीज, ये अलग सीरीज होगी, एक मिनट ये अलग वीडियो सीरीज होगी, ये अभी IPL में ही शुरू करने वाला हूँ, और वो एक टीम के लिए ही होगी स्पेशल। स्कंदा भाई ने तो गेस कर ही दिया था CSK, तुम लोगों में से भाई एक और गया। ओ भाई टोपली भी गया भाई, 20 और ये पहले ही ऑल आउट हो जाएगा क्या, ये एवेंजर्स कमिंग बैक नहीं, एवेंजर्स अभी फिलहाल के लिए तो नहीं, एवेंजर्स तो फिलहाल होल्ड पे ही है बहुत टाइम से। ले 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 रन ले रन ले रन ले भाई 150 तो पहुंचा दो यार, और करो बैटिंग फर्स्ट भाई, अब है आदत है तो है, धीट बना है तो है, बैटिंग सेकंड में भी यही हाल होता। ओहो भाई सिराज भाई, मियां भाई को ओपन करवा दो भाई, मियां भाई को ओपन करवा दो, मेरे को नहीं पता भाई। अच्छा हाँ याद आ गया, एक मिनट। हाँ तो सीरीज जो है CSK से रिलेटेड ही होगी, CSK में टाइटल बता तो तुम्हें, या तुमको वो भी गेस करना है तुमको, वैसे कुछ लोगों को पता है जो GCL सर्वर में है, GCL ये ना वो GCL सर्वर में, वहां पे एक अनाउंसमेंट हुई थी एक नए प्ले बेस को लेकर, तो कुछ लोगों को पता ही होगा उसके बारे में, बट जिसको नहीं पता या जिसको पता है फिर भी यहाँ पे गेस करना चाहते हैं, डोंट रिवील द पर्सन, अच्छा वो मत करूं। ओ भाई 150 तो लग गया भाई, 150 तो लग गया, 150 तो लग गया, डोंट रिवील द पर्सन। ट्रेविस हेड हेलो भाई, हेलो पता है लांबे प्लेइंग विद धोनी, वाह इतना आसान नहीं होता भाई मेरे यहाँ पे गेस करना भाई। सिराज ओपनिंग नेक्स्ट मैच से, विल जैक्स को नंबर 3 पे रखूंगा मैं भाई साहब, क्या ही हिटिंग भाई, विशाल भाई डिफेंड करके सिंगल ले लो भाई, मैं इस स्कोर को भी डिफेंड कर सकता हूँ, बस बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, सही में हो सकता है ये भी डिफेंड हो सकता है। सिराज भाई साहब आप कहाँ रहते हो भाई ये बताओ मेरे को, अच्छा विशाल ने मारा, ठीक है विशाल ने मारा तो भी ठीक है, कोई ना। मियां भाई has more sixes than Maxwell in IPL 24, हाँ ये तो पता है, वाइड हो गया, अरे दे दो वाइड, नहीं है, अच्छा ठीक है, नहीं है तो नहीं है, वैसे मोहम्मद नबी का दूसरा हो रही है, गेल स्टॉर्म सिराज स्टॉर्म,
नहीं 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 नॉट आउट का बहुत बढ़िया रोहित भाई, रिव्यू लेने की जरूरत नहीं है रोहित भाई, मेरे ऊपर भरोसा करो कि मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना है। ये GCL क्या है छोड़ो, क्या पता, GCL एक सर्वर है भाई क्रिकेट 24 कम्युनिटी का, इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था। ओके सेवी भाई गुड, दैट पर्सन इज नॉट क्रिकेटर बट ही कैन डू एनीथिंग। अच्छा भाई, भाई यार ये गंदी बेइज्जती करवा रहे हो तुम लोग अभी मेरी, और दो दिन मेरे को बताने हैं तुम लोगों को, बट तुम लोग ये गेस नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्या बोलूं अभी। अरे एसके कैसे हो भाई, वेलकम रॉस। अबे नहीं रे, रॉस का क्या करूंगा मैं, और उसका सीए, अच्छा उसका चेन्नई से ऑल आउट हो गए भाई, ऑल आउट हो गए, बट कोई ना, 156 डिपेंड करना है जहां पे थे और जहां तक आए हैं, ये फिर भी ठीक है, चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। इनसाइड एज ऑन द स्टंप्स गॉन, 156 डिफेंड करना है, 4 विकेट मिले हैं पीयूष चावला को, एकदम से वक्त जज्बात सब बदल दिए हैं। लेट्स गो, डिफेंड करेंगे तुम सब, हम साथ में डिफेंड करेंगे। अच्छा अनाउंसमेंट में क्या लिखा था उतना बता दो, थोड़ा हिंट जीएसएल में। अच्छा तू जाके वहां पे सर्च मारेगा है ना। अच्छा ये देखो साई भाई ने एक हिंट दिए है, ये बहुत बड़ी हिंट है उससे रिलेटेड, बहुत बहुत बड़ी हिंट है, इतनी बड़ी कि मतलब पब्लिक हॉलीडेज मिलते हैं भाई उसके नाम पे। अब इस पे से तो गेस होना ही चाहिए, इतना बड़ा मतलब मैंने तुमको बताया है, इस पे से तो गेस होना ही चाहिए। ये क्या हो गया, स्कंदा भाई एक बार फिर गेस कर दिए भाई, बाकियों के साथ अन्याय कर रहे हो आप, बाकी के साथ अन्याय कर रहे हो, मैं बस यही बोलूंगा। अच्छा विजय कुमार विजन को थोड़ा यहीं पे रखेंगे हम, एक्स्ट्रा कवर को यहाँ पे स्लिप में, रजत पटीदार को इधर, पटीदार ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सवेल बाहर आ गया, लॉमरोर विराट कोहली, लॉमरोर मिड विकेट पे कौन है, पटीदार है, मिडॉन, विजय कुमार विशक, विराट कोहली, रिस्टो प्ली शॉर्ट फाइन ले, कैमरॉन ग्रीन एक्स्ट्रा कवर, ओके परफेक्ट है, साउथ इंडियन हूँ भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो छोड़ो, जाने दो फिर। अबे हो ना यार, ये देखो इसने फिर दिखा दिया, ये देखो ये लेग कटर दिख रहा है तुमको यहाँ पे लगा हुआ, लेट्स गो भाई, फर्स्ट बॉल रोहित शर्मा है स्लिप्स पे, सॉरी नॉट रोहित शर्मा है स्ट्राइक पे, पहला बॉल पहला रन ऑफ द मार्क। वैसे WIPL में मैं नहीं रहूंगा एज ओनर, यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो बट ट्राई रहेगी तो बी कोनर, बिल्कुल बिल्कुल, एक्टर वर्सेस क्रिकेटर नहीं होगा ये, इट्स नॉट एक्टर वर्सेस क्रिकेटर, व्हाट इफ थाला थलेवा एंड थलापति प्ले टुगेदर, ये होगा उसका टाइटल। एज एंड दैट गोज इन द गैप, विल गेट अ बाउंड्री फॉर ईशान किशन, फर्स्ट बाउंड्री फॉर मुंबई इंडियंस। तो मैच डे पे आएगा, इट विल बी ऑन मैच डे स्पेशल, जैसे अभी चेन्नई मुंबई का मैच है 14 तारीख को, तो मैं कोशिश करूंगा उसको 13 तारीख को लाने की, या 14 के सुबह की या फिर शाम की, कभी भी, लेकिन मैच डे के अराउंड उसको लाने की। और एक और चौका है, क्या रही रोक लिया ग्लेन मैक्सवेल ने, थालापति विजय नहीं, थालापति अभी इसको बोलते ना, जडेजा को बोलते हैं, तमिल कमेंटेटर चाहिए तो बता दे। नहीं भाई फिर मतलब बाकी सब लोगों को समझ नहीं आएगा ना। What if Ajit Ala Thalaiwa and Vijay Thalapathy play together? अरे नहीं नहीं भाई, इतने सबको नहीं खिलाना, इतना पैसा भी नहीं है प्ले फेस बनाने। ओके सिंगल आ जाएगा,
मैं हैरान हूँ भाई, टेक्नो ने कैसे ये मिस कर दिया था, क्योंकि उसने गलती से वहां पे रिवील कर दिया था, उसको पता नहीं था कि ये रिवील करना है नहीं करना है। और वो प्ले फेस बनाया है इसने, कैप्चा ने बनाया है वो। मैं स्पॉन्सर करता आपको, अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वैसे अभी WIPL के बारे में, बाकी के रूल जो दो रूल है, जो दो नए रूल आने वाले हैं उसके बारे में बात करता हूं मैं। ओ दो नए रूल्स हो गए WIPL में, एक्सक्लूसिव रूल्स WIPL के लिए। एक तो बहुत बहुत इजी है गेस करना, वो होगा बाउंसर। दो बाउंसर्स अलाउड हो गए WIPL में भी। दूसरा है कि पावर सर्ज होगा, 6 ओवर का पावर प्ले को हटाकर 4 ओवर का फिक्स पावर प्ले रखा जाएगा, और बाकी के जो 2 ओवर है उनको पावर सर्ज की तरह मतलब कभी भी इनिंग्स में यूज कर सकते हैं ऐसा रखेंगे, लेकिन एक फिक्स। ये क्या हो गया? अबे तुमको भी वॉचिंग एक का दिखा रहा है क्या? अबे यूट्यूब, बाकी के जो 2 ओवर है वो 11 से लेकर 18 के बीच में कभी भी ले सकती है बैटिंग टीम, ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे कैच हो सकती है, बस कैच ही हो सकती थी, उसके आगे कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि RCB है। एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती यहाँ पे कुछ होगा। एक का वॉचिंग कैसे होगा? पता नहीं भाई, छोड़ो जाने दो। तो ये नया रूल होगा, और भी कुछ नए नए रूल आ सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए ये हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में है जो कि पक्का हो गए। तो तुम लोगों को कैसे लगे ये दो रूल, क्या लगता है तुमको इस बारे में, या फिर तुम्हारे कुछ सजेशन है कुछ रूल्स को लेकर तो वो भी दे सकते हो, हम उसको कंसिडर करेंगे। 16 for no loss, 8 run आए हैं 2 ओवर में। RCB has become Royal C Buckler unfortunately in this game. अब रियल में भी तो वही है। ओ बढ़िया बढ़िया। सिराज भाई बैटिंग में किए हो, बॉलिंग में कुछ एक्सपेक्ट करे या ना करे, वानकेट है इसलिए याद दिला रहा हूँ। सामने ब्लू कलर की जर्सी है श्रीलंका, याद आ जाए तो। वैसे रोहित शर्मा ने दिखा दिया कि तू श्रीलंका किसको बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तेरी हिम्मत कैसी है, तेरी औकात कैसी होगी ऐसे बोलने की। मैं इसे खेलता तो चॉप डाउन होता बिल्कुल। व्हाट इफ बॉलर्स टेक पावर प्ले इंस्टेड ऑफ बैटर? ना 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 ना, गलत होगा, बैटिंग टीम के पास होना चाहिए वो। अगर मैं अच्छी कोडिंग सीख जाऊं, आई विल ट्राई कि आपको फैंटेसी की साइट बना के दू। ओहो थैंक्स ब्रो, थैंक्स, वेट करूंगा मैं। अभी तुमने बोल दिया है ऑन लाइव स्ट्रीम लाइव चैट। इस ओवर में भी क्या 8 रन आएंगे या उससे ज्यादा आएंगे? वैसे दोनों ही प्लेयर सेट हो गए हैं, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा बट सेट हुए हैं, मान लो मेरी बात। रोहित भी लाइक, मैंने उसके अगेंस्ट 260 और मारा और तू मुझे ही इस टीम का प्लेयर बताने का कोशिश करता है। सही बात। जहां तक मुझे लग रहा आप ये सर्च वाला प्लान लास्ट में कैंसिल ही कर रहे हैं। नहीं कैंसिल नहीं होगा भाई, कैंसिल नहीं होगा, ये मैं अभी बता रहा हूं। एक और बात यहाँ पे मैं रिवील कर रहा हूँ, अगर वो AI खुद से ले रहा हो और वो कैंसिल नहीं हो रहा हो तो भाई शायद से मैं उसको फिर भी रखूं मैं उसे। ओके रीस्टोपली सामने है रोहित शर्मा, ये कॉन्टेस्ट देखने लायक होगा, मजेदार होगा ये कॉन्टेस्ट। चुपके से अंदर नुवन दुसारा दिखा दो सिराज को, आ जाएगा इनफॉर्म। कोइन ब्रो मेन पॉइंट रिस्पेक्ट, मतलब ओ शॉट, दैट इज सम शॉट, इज हिट इट ओवर पॉइंट। रोहित शर्मा विल ही टेक होम अगेंस्ट RCB।
हेलो मैं फिर आ गया। अबे ओम कहाँ चला गया था भाई, तू नहीं था रिस्पेक्टिंग प्लेयर्स। हाँ वो तो है भाई, वो तो बेसिक है, वो तो मेरी ऑडियंस को तो पता ही है भाई, जिनको नहीं पता तो वो पार्ट नहीं है यहाँ पे ऑडियंस के। भाई दूसरा सिक्स एज ओवर का, अगले ओवर में स्पिन लाना ही पड़ेगा क्योंकि इस रन की अगर मार पड़ेगी तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं आखिरी तक। अच्छा फिर सारे ओनर्स की मीटिंग बुला के डिसाइड कर लेना, उसमें ऑप्शन रख देता है कि ये ओवर तक एआई खुद से सर्च नहीं लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ एआई को 12-13 ओवर तक सर्च लेने से रोक सकते हैं। हाँ वो तो पता है मेरे को। मैं शायद से पांच पांच ओवर का भी एक ये रख सकता हूँ, जैसे कि 12-17, 12-17 में ही लेगा करके, ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं, बट देखते वो थोड़ा आगे चलकर है। विल जैक्स को लाते हैं, दो नॉन रिस्पेक्टेड यूट्यूबर्स को बैन मार दिया चैनल से, इतना फावर आपने तो कुछ बड़ा टारगेट नहीं दिया भाई। मेरे साथ धोखा हुआ यार ओम भाई, बस इतना ही बोलूंगा मैं भाई। आर अश्विन भाई, रविचंद्रन जैक्स, रविचंद्रन जैक्स विन भाई, जो नाम देना चाहते हो दे दो चैट में इसे। ओहो भाई साहब, कहाँ थे आप अभी तक, कहाँ थे? रविचंद्रन जैक्स इज हियर गाइस। सम एडजस्टमेंट्स टू द फील्ड, भाई ऐसा तो नहीं था यार इसका एक्शन, राइट शॉट, ये एक्शन क्यों बदला गया समझ नहीं आ रहा मेरे को। मेरे चैट पढ़ो, एक मिनट का भाई, एक मिनट। क्रिकेट गाय हेलो, एम आई विल चेज इन 10 ओवर्स हैं, देखते। विल चंद्र जैक्सवीन, चलो राइट टू द फील्डर। अच्छी बात है, देखो भाई आरसीबी को भी एक अश्विन मिल गया। आरसीबी को वैसे भी जरूरत है दिमाग के साथ प्लेयर्स की, सिर्फ विराट है जिसके पास दिमाग है। लग गई नजर, इसको भी नजर लग गई, बताओ। बट एक बात बताओ, नवंबर एंड में ऑप्शन होगा आपको जेन स्टार्ट तक फुल स्पीड चलाने में लगेगा और फिर एग्जाम्स होते हैं, सबको प्रॉब्लम नहीं होगी प्री बोर्ड्स एंड ऑल। भाई अभी जिसकी एग्जाम है वो, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, फिर वो ना ही पार्टिसिपेट करे तो ही बेटर होगा। ज्यादा लोग उस वक्त पे फ्री रहेंगे इसीलिए मैंने ये विंडो सोचा है। अब एक दो लोग फ्री नहीं रहते तो उनका तो भाई उनको देखना पड़ेगा, अच्छी मैनेजमेंट बिठानी पड़ेगी। क्यों सिर्फ विराट में क्यों आप में दिमाग नहीं किया? नहीं है भाई मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे अरे रोको रोको, टॉप प्लेयर रोक रोक रोक, चला है बॉल लेके यार। आज मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा क्योंकि एमआई में हार दी गया। अच्छा ओनर का नहीं कह रहा वो, ठीक है। मैं कह रहा फॉर व्यूअरशिप, क्योंकि एसपीएल में भी थोड़ा सीजन वन में ठंडा था। सीजन वन ठंडा लग रहा है तुम्हें? क्या बात कर रहे हो भाई, कौन से भाई कौन से चैनल पे एसपीएल देख लिया तुमने? गलत एसपीएल देख लिया भाई आपने। अरे एसके भाई, भाई मैंने दूसरे चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम शेड्यूल किया था, क्या लग रहा है तेरे को हो जाएगा क्या? अबे लाना यार ये क्या फालतूरी भाई, मेरे को नहीं कराना टोपली से, ये क्या जबरदस्ती है, हट यार क्या फालतू गेम है भाई ये, सही में बता रहा हूं मैं, मत खेलो भाई ये। Change up in the field now. अच्छा वो फील्डर रख दिया वहां पे। सौमित्र भाई लगा लो मक्खन, हैं? क्या हो गया? लेकिन चाहता हूँ आज बारिश हो जाए, नहीं होने वाला भाई। मुंबई में इस
सीजन वन से ठंडा था, सीजन टू का व्यूवरशिप तो उसको ठंडा नहीं बोलते भाई सीजन वन को। सीजन वन में व्यूवरशिप उतनी थी जितनी उनको आती है नॉर्मली थ्रू आउट। मेरा भी मन करता फेंकने का बट पापा ने गिड़गिड़ाने के बाद क्रिकेट 24 खरीदा था। भाई इतना सच नहीं बोलते यार, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है तुम जैसे लोगों के लिए। ए फेक फेक फेक, नीचे रन आउट होगा, कहां फेक रहा भाई। मोइन ब्रो आल्सो अनाउंस द नेम चेंजेस फॉर फ्यू टीम्स। हां भाई, ओहो ये तो भूल गया भाई, ये तो भूल गया मैं। वैसे दो टीम का नामकरण हो जाएगा भाई, गुजरात सुपर चार्जर्स को टाइटंस करने वाले हैं हम। नहीं मतलब ऑप्शन देंगे ओनर को कि उसको टाइटंस चाहिए जायंट्स चाहिए, तो ये उसके पास ऑप्शन रहेगा। दूसरा लखनऊ का भी नामकरण होगा, लखनऊ जो ओनर होगा उसको सुपर जायंट्स चाहिए या फिर यूपी वॉरियर्स चाहिए या फिर लखनऊ वॉरियर्स चाहिए, तो ये उसको ऑप्शन दिया जाएगा। लेट्स सी वो क्या सिलेक्ट करता है उस टीम का ओनर। और पिछली बार की तरह ही तीन तीन जर्सीज दिए जाएगी ऑलमोस्ट सब टीम को, क्योंकि पिछली बार सब टीम्स को तीन जर्सी नहीं थे। अमन भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई मैक्सवेल को ही कंटिन्यू करवा दे यार, मैक्सवेल ही है जो बचा सकता है। वैसे बिशप भी है, बिशप को लाएगा फिर, बिशप को लाते हैं। लेट्स विन ऑन बिशप। और किसी टीम ओनर को रिटर्न का अलाउंस एंड क्राइटेरिया क्या होगा? टीम ओनर भाई जो देखो इसमें थे फाइनल में थे रनर अप और एक मिनट रनर अप और विनर, उनको सबसे पहले टीम का प्रेफरेंस और उनको टीम की ये मिलेगी क्या बोलते हैं, वो ही टीम उनको उठाने की सबसे सबसे पहले हकदार वो रहेंगे। ठीक है, अगर वो लोग चाहते कि वो टीम ना ले, कोई वो टीम ले, फिर बात अलग है। लेकिन एंट्री फी तो उनको भी भरना पड़ेगी, ऐसा नहीं कि फ्री में मिलने वाली है, फ्री में वो टीम मिलेगी। मतलब राघव भाई और गौरव भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहला प्रेफरेंस उनको रहेगा टीम उठाने का और उनकी खुद की टीम उठाने का। एक मिनट अभी मेरे को जल्दी से फील लगाने दो भाई। पट्टीदार अभी क्या कर रहा भाई, क्या भाई यार क्या चल रहा है मेरे साथ। ओके मैक्सवेल, मैक्सवेल ऐसा रद्दी फील्डर क्यों बनाया गया गेम में समझ नहीं आ रहा मेरे को। विल जैक्स इधर है, विल जैक्स, कैमरॉन ग्रीन, एक मिनट भाई एक मिनट, जरा रुको जरा रुको। रीस टोपली शॉर्ट थर्ड स्क्वायर, ओ हाँ ये कर सकते भाई, ये कर सकते, हाँ ये बढ़िया है, चलो ये बढ़िया है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। नो कमेंटेटर्स, हाँ बिल्कुल, ये बात भी भूल गया था मैं, ये बताया था शायद से मैंने, इस बार कमेंटेटर कोई नहीं होगा। आई थिंक ये बताया था मैंने, कमेंटेटर कोई नहीं होगा। वीसी के ऊपर ओनर्स रहेंगे लेकिन उनको कमेंट्री या फिर कोई कमेंट्स पास करने को बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा, कुछ लफड़ा नहीं होगा ऑन स्ट्रीम। मेन ये है, ओनर ज्यादा इनएक्टिव रहेगा तो निकाल दिया जाएगा। ये थोड़ा टीम के ऊपर भी रहेगा भाई। रॉस एवंस को भी इंडिया आना, बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है तुझसे। भाई वैसे विशक, विशक देखो, विशक विशक का एक बात होता हूँ तुम्हें, अभी विशक बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और अभी सिक्स खाएगा देखना। नहीं खाया नहीं खाया। प्रो गेमर्स हेलो भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। अच्छा इस सब में तुम लोगों को सबसे बढ़िया अनाउंसमेंट कौन सी, कौन सी ज्यादा बढ़िया अनाउंसमेंट लगी है बताओ, जिसको सुन के तुम बहुत ज्यादा खुश हुए हो, एक्साइटेड हुए हो। तनीश काबरा प्रो गेमर्स हेलो भाई। भाई अभी कुछ टाइम तक मैंने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, अगर चाहो तो बाद में देख सकते हो या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, वहां पे क्लिपिंग्स आएगी या फिर वहां पे टेक्स्ट डाल दिया जाएगा,
ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे 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 बिल्कुल बनाएंगे। अरे इसके भाई तेरे को कुछ पूछा था, भूल गया मतलब सुना नहीं, कुछ बता भाई, लगता है तेरे को वहां पे हो पाएगी स्ट्रीम? If no one is available during matches, then we will find new owners. भाई टोपली हट जा भाई हट जा। Right armor is coming on to bowl from the tartar end. Going with a more defensive field choice. Happy with the announcement कि अगली ही बॉल में विशक सिक्स खाएगा। वो अनाउंसमेंट नहीं, इट भी फैक्ट था भाई, दैट वाज अ फैक्ट और वही हुआ। अच्छा को ओनर क्या बीच सीजन में टीम चेंज करना अलाउ होगा? यस 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 बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई, तुम वो बांध कर नहीं रख सकते यार किसी एक टीम से, अगर तुम उस टीम के साथ खुश नहीं हो या टीम तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो फिर वो तो उतना अलाउ रखना पड़ेगा। कैच कैच प्लीज, मैच 7:30 से है, 7:10 7:30 कर लो अगर करना है तो। अच्छा ठीक है कर लेंगे चलेगा। अच्छा तूने देखा तो वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था उधर, एक स्ट्रीम वहां पे गलती से शुरू हो गया था, अच्छा हुआ अनलिस्टेड था तो उसको डिलीट मार देना, और ये वाला जो है उसको मैंने तेरे को थंबनेल भेजा हूं देख, वही लगा दे टेलीग्राम पे भेजा हूं देख, बट यू कांट मूव टू एवरी टीम। ये तो है, मतलब फिर तो भाई कोई भी टीम अलाउ करेगी नहीं वैसे। हम लोग तो सिर्फ सिक्स और फोर देखते हैं, कैच तो हुआ बट क्राउड में, सही बात है भाई सही बात है, हमारे लिए कैच तो बने हुए ही नहीं है। 80 चाहिए 73 बॉल्स में, यहां से मैच जीतना तो बहुत मुश्किल है, बट फिर भी जैसे हम हमेशा ट्राई करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अनलेस यू आर आरसीबी। 7 ओवर से बढ़िया ओवर, 80 चाहिए अब। विशक अच्छी बॉलिंग किया था इसीलिए उसको रोकेंगे, लॉमरॉन ले आते भाई, लॉमरॉन का एक्शन पसंद है भाई, तुमने देखा ही होगा एसपीएल में। और जो लोग ने अब तक WIPL देखा नहीं है मेरे चैनल के ऊपर, दो सीजन पड़े हुए हैं हमारे पास, ऐसा मतलब कुछ भी टाइम पास करने नहीं है, कुछ भी नहीं है करने तुमको, मूवीज या वेब सीरीज देखने में मजा नहीं आता। दोनों सीजन के जो ये है लाइव स्ट्रीम वो देख सकते हो, फॉरवर्ड कट के देखने में क्या ही जा रहा है भाई, इतने सिक्सेस लगते हैं उसमें मतलब तुम सोच नहीं सकते। सीजन टू में 1000 से ज्यादा सिक्सेस लगे थे लीग स्टेज में, तो बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, और पहली बार 300 लगे थे हमारे यहाँ पे चैनल में, दो बार तो मैंने लगाए थे, और 300 चेस करते करते AI ने ही 283 भी बना दिए थे, तो वो भी स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा मत समझना कि हाँ भाई मतलब वुमेन खेल रहे हैं तो मतलब क्या देखना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलता है उस वो मैचेस में भी, जैसा WIPL अभी जो सीजन टू हुआ था, हाई स्कोरिंग, थ्रिलर, गोल, एंड विल समथिंग चेंज विद दिस विकेट। ओहो भाई रिव्यू लिया है भाई, वो तो गौरव भाई लास्ट ईयर आश्रम खोल के बैठे थे, सारे आ जाओ जिसको आना है आ जाओ। भाई देखो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं भी वैसे ही करता हूँ, मैं भी सबको अलाउ करता हूँ मेरी टीम का मेंबर बनने के लिए, इफ देयर टीम डजंट क्वालिफाई दे मूव टू क्वालिफाइड टीम। वैसे ये अब तक हुआ नहीं है अपने यहाँ पे, और गॉन इज गॉन फॉर 57। सूर्य कुमार यादव कमिंग इन, और स्टाइल सिक्स का प्लेयर देखते कैसे करेगा, ज्यादा मेरे को पता है पहली बॉल पे ये स्टेप आउट करके, स्टेप आउट नहीं करेगा बट हिट तो जरूर करेगा। हिट तो किया भाई और सिक्स के लिए किया, 83 फॉर 1,
अपन वुमेन क्रिकेट के बारे में आपके लाइव स्ट्रीम में से जान पाया हो। अच्छा इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू समझा नहीं मैं। टू विकेट्स, लॉन्ग रोर। एसपीएल में प्राइज मनी तो घर पे ही आया, घर पे ही आया मतलब टीम्स इंटरव्यू। अच्छा उसका, उसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं हूँ भाई, मतलब किस तरह से होगा वो सोचा नहीं हूँ, लेकिन इंटरव्यू जरूर होगा। इतना WPL मत बोला करो यार, WPL सीजन 1 याद आ रहा है, WPL नहीं था वो, दैट वाज WIPL। अच्छा भाई मैक्सवेल को कंटिन्यू रखते हैं, सामने रोहित शर्मा है, शायद से यू नेवर नो स्टेप आउट करने के। कैच इट, अबे कोई नहीं था भाई, 24 लाइक हुए अब तक, जिसने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो यार। दो चौके लगे और सीधे औका दिखा दिया, 10 आए हैं ऑलरेडी इस ओवर से। अच्छा भाई मैं एक मिनट, मैं आया जल्दी से आया। Red King, hello bhai, welcome to the stream. You came late today, but match will end at same time. Almost. That's great field. भाई यहाँ पे रोहित शर्मा का विकेट चाहिए हमें। यहाँ पे रोहित का विकेट मिल गया तो मैच अभी भी आ सकता है। फेस कैम अटक गया फिर से यहाँ पे, फेस कैम की तो फेस कैम गॉन। हाँ, एक मिनट। भाई क्या है भाई इसका, चलो आ गया। तिलक वर्मा वो बहुत महंगा ओवर हो गया भाई मैक्सवेल का, मतलब हमने विकेट लेने के लिए दिया था उसे, उसने उल्टा भाई उनको ही अच्छा ये करके दे दिया पूरा मोमेंटम बनाकर। लेस देन रन बॉल चाहिए। जैक्स डेब्यू, ए बाबा किसकी जगह पे बताओ, फेस गेम का पोज मॉडल जैसा था हैं? मॉडल प्लीज रोहित भाई आउट हो जाओ, रोहित भाई कम ऑन, वहां पे 50 मारनी, यहां पे आउट होना पड़ेगा रोहित भाई। व्हाट इज दिस रोहित भाई, नॉट गुड एट ऑल, विल फाइंड आउट ड्यूरिंग टॉस। अच्छा भाई बढ़िया यार, फैफ ही ड्रॉप हुआ हो यार, मजा आ जाएगा। फैफ दिख रहा है क्या कहीं कहीं पे आपको, मैं फिर से आ गया। अरे ओम सिंह तुम डिस्कॉर्ड के ऊपर हो क्या, तुमने सब अनाउंसमेंट वगैरह सुन लिए? पकड़ ले, सब पूरे हो गया मुंबई इंडियंस के 12.3 ओवर्स में ही। गया भाई एक और चौका, अब कुछ नहीं हो रहा। ओ यार 10 रन आए ओवर से यार, मैक्सवेल को रोकते हैं। विल चंद्रन जैक्स को याद है, आ जाओ विल चंद्रन जैक्स।
A new bowler is coming into the attack. Wilchandran Jacks into the attack. Going very defensive. Catch it. मैच फंस रहा था. हाँ भाई फिर क्या यार, दो विकेट गिरने में थोड़ी सी आशा जग गई थी. Going with a more defensive feel. Opportunity. Oh, swing and miss. Let's go Daniel Wiltori. भाई ये इसको ये एक्शन नहीं देना चाहिए था, मैं सच में बता रहा हूँ. इसके पहले जो एक्शन था ना वो बहुत कमाल का था यार. ये शॉट उस दिन कनेक्ट क्यों नहीं हुआ था रोहित भाई, बताओ मेरे को, ये उस दिन क्यों कनेक्ट नहीं हुआ. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Lovely cover drive straight to the बेचारे अश्विन अन्ना का वो बदनाम हो रहा है, ये भी सेवन से गलती है. आठ ओवर बाकी है लॉन्ग ओवर का, तीसरा ओवर करवा रहे हम. हीट है क्योंकि दो विकेट लिया भाई, उससे चार ओवर नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे, है ना. हम क्या संजू सैमसन नहीं है कि ट्रेन बोल्ड से ओवर ही नहीं करवाए. अरे रन आउट होगा, फेंक 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 फेंक, मार मार मार. स्ट्रेट बैक टू द बॉलर. Oh, 36 now from 44 balls. Good shot. यार आ गया भाई, रोहित शर्मा पूरी चेस को खा गया. ट्वेंटी चाहिए 42 बॉल्स में. अभी मैं पेसर्स को ही लाता हूँ भाई, इस स्पिनर को तो वैसे भी मतलब ये बहुत गंदी तरह से कूट ही रहा है. आई थिंक बहुत लेट हो गया है बट फिर भी क्या कर रहे हो. विजय कुमार भी ले आते हैं. विशाक द राइट आर्म मीडियम बॉलर इज कमिंग इनटू द अटैक फ्रॉम द टाटा एंड. वैसे भी इनका कैप्टन एक समय विक्टोरी था और जैक्स भी करंट कैप्टन को रिप्लेस करके आया है. अबे करंट कैप्टन को सही में रिप्लेस किया या नहीं किया ये तो बहुत बताएगा भाई. ओ भाई स्लिप रखने का बहुत मन कर रहा था यार. 29 चाहिए 41 में. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. अब रोहित भाई सिक्स मारेंगे देखना. Some adjustments to the field. Wide हो गया. Rohit watched it closely and let that go through to the keeper. अच्छा जिसने अगर लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दो भाई लोग. ओह गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग. On the follow up after such a great delivery, pitch it on a length is obviously the way to go. पचास पूरे हुए रोहित शर्मा के. ठीक है भाई चलता हूँ, दुआओं में याद रखना. अबे सीरियसली ले लिया बात तुमको. 16 रन चाहिए 38 बॉल्स में. कैमरॉन ग्रीन माइट बी ड्रॉप नॉट पैप. भाई देखो ये अगर ऐसा होगा तो पक्का पागलपंती है. कैमरॉन ग्रीन इस स्टेडियम के ऊपर इस टीम के साथ खेला हुआ बंदा है, यहाँ पे 100 मारा, यहाँ पे अच्छा भी किया है
और अगर इस टीम के सामने इस ग्राउंड पे ही उसको ड्रॉप कर देंगे तो भाई ये लोग नहीं जीत रहे भाई, ये लोग जीतना डिजर्व ही नहीं करते फिर। पंद्रह चाहिए, लॉन्ग रोल करवाऊंगा भाई, ओवर तो करवाऊंगा मैं। Is to be well ahead of the required run rate. Glanced away nicely, but fine short. Sad, नहीं देखना मुझे डिनर के. What if they are dropping duply? Yes, they can do anything. Oh, that's a wondrous strike straight through the covers. Bas aupcharikta baki reh gayi hai dosto. This is aupcharikta pro max. Edge, but it drops. 4 run chahiye. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward. But putting pressure on the batter. Edged. Bhai, so last match, acha bhi khela tha Tubli. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Aur ye winning shot hai kya? Bilkul Tilak Varma ne mara hai. 5 over baki rakhkar chase kya hai isko? Aur dikha diya hai RCB ko ki kis tarah se khela jata hai is khel ko. वाह क्या बात बोला भाई, क्या बात बोली। लाइक कर दो, अब तक क्या नहीं है तो क्या कर रहे हो, लाइक करो करो। 8 विकेट से जीती है मुंबई इंडियंस इस मैच को। 73 नॉट आउट बनाए हैं रोहित शर्मा ने, और वहां पे पूरी ढह गई थी आरसीबी की टीम पूरी तरह से पीयूष चावला के बवंडर में। कुछ रनआउट भी देखने मिले हमें, कॉन्ट्रोवर्शियल शॉट सिलेक्शन भी देखने मिले, जिसकी वजह से स्कोर कुछ ज्यादा बन नहीं पाया, और यही है कहानी इसकी। चलो भाई अभी आता हूं मैं दूसरे चैनल के ऊपर, तुम रीडायरेक्ट किए जाओगे, बट उसके पहले एक बार मैं देख लूं। एक मिनट मैंने उसको सेव किया था या नहीं किया था देखने दो मेरे को, तब तक वेट करो रे, उधर आ जाओ टीम बनाएंगे साथ में। एक मिनट, ओहो अच्छा अच्छा ये करना है, ठीक है। इसके भाई उतना ये चेंज कर दे भाई, थंबनेल वगैरह चेंज कर देना, मैं आता हूँ। मैं मेरे को 5-6 मिनट लगेंगे, मैं स्टैट्स स्टॉक्स वगैरह सब देख के आता हूँ, ठीक है। तो यार कैसे करूँ मैं, अच्छा तुम लोग आ जाओ वहाँ पे, अनलिस्टेड स्ट्रीम वहाँ पे है, बस उसका टाइटल वगैरह चेंज करना है। कर तो दिया है, अबे मेरे यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, हो गया। अबे पागल, ओके। एक मिनट में पब्लिक कर देता हूँ, इसे पब्लिक कर दिया, और अभी यहाँ से स्ट्रीम एंड करके वहां पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे चैट में भी लिंक मिलेगी, यहाँ से आना चाहते हो तो यहाँ से आ जाओ। ड्रीम इलेवन टीम साथ में बनाएंगे, स्टैट्स वैट्स देखेंगे, प्रीव्यू करेंगे जल्दी से, ठीक है। चलो आ जाओ वहां पे, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, यहाँ पे भी वहां पे भी, ठीक है, बाय बाय।